तो जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो बहुत सारा भाइयों का कमेंट आ रहा था कि BSF ट्रेडमेंट फिजिकल सेंटर 15 बटालियन जलपाईगुड़ी सेंटर का जानकारी दीजिए कि वहां पे कैसा फिजिकल चल रहा है। दोस्तों मैं जलपाईगुड़ी स्टेशन पे हूं और मेरे साथ जो ये बैठा है दोस्त, आप लोगों को मैं बता दूँ दोस्तों कि इसका जो है आज फिजिकल कम्प्लीट हो चुका है, जो कि 15 बटालियन जलपाईगुड़ी में था। और इसके साथ क्या क्या हुआ मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट आप को मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को चलिए मैं जानकारी देता हूं कि वहां एंट्री कितने बजे हुई है। तो आप लोग आप बताइए वहां पे एंट्री कितने बजे हुई है। तो जानकारी दे दूँ आपका एंट्री वहां पर आपको लगभग आप 4 बजे से, सभी बच्चे के 4:30 बजे तक एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन वहां पर बता दो एंट्री आपको जो एडमिट कार्ड है, ऐसा नहीं कि जो पहले आएगा उसका फिजिकल हो, ऐसा नहीं। रोल नंबर के हिसाब से जो रोल नंबर लिखा है 4 अंक क्लास का, उसी हिसाब से आपका बोला जाएगा कि इतना से इतने तक लाइन में लगा तो उतने बच्चे को अंदर किया जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ वहाँ पर जो एंट्री हो रही है वो रोल नंबर के द्वारा देख कर की जा रही है एंट्री। और वहाँ पे दोस्तों चलिए बताते हैं कि ग्राउंड कैसा है, रनिंग कैसा हो रहा है, कितने लड़कों को पास किया जा रहा है, हाइट चेस्ट कहाँ से नापा जा रहा है, पूरी जानकारी चलिए आप लोगों को देते हैं। तो चलिए आप बताइए कि रन आप लोगों का जो है एंट्री होने के बाद क्या क्या हुआ। एंट्री होने के बाद आपको बता दूं कि वहाँ पर एंट्री कराने के बाद आपको अंदर ले जाएंगे, जो फौजी हैं अंदर ले जाकर आपको बैठाएंगे ग्राउंड में, और आपको फार्म देंगे भरने के लिए। वहाँ पर आपको दो फार्म मिलेगा, दो से भरने का सिग्नेचर करना है, और रोल नंबर डालना है, नाप डालना है, अपना कट ऑफ डालना है, जहाँ कट मार्क रहता है, कट मार्क जो डालते हैं वो डालना है। उसके बाद आपको सब भरवाने के बाद आपको चेस्ट नंबर मिलेगा वहाँ पर, और आपको बैठा दें। उसके बाद भरवाने के बाद चेस्ट नंबर मिलाकर आपको भेजेंगे हाइट चेस्ट नापाने के लिए। हाइट चेस्ट नापाने के बाद आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, उसके बाद हाइट चेस्ट। तो हाइट और चेस्ट कहाँ से कैसे नापा जा रहा है, कितने लड़कों को फेल किया जा रहा है सेंटर पे, बता दूँ कि बहुत भाइयों को कमेंट आ रहा था कि बच्चे पूछ रहे थे वहाँ पर कि इस चैनल पर कि माने कि बहुत बच्चे को छट रहे थे, ऐसा किस वीडियो पर ना देखिए, दूसरा वीडियो पर ना कन्फ्यूजन रहिए कि बच्चे छट रहे हैं। बहुत बच्चे पास हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो पास किए जा रहे हैं। हाई चेस्ट में बहुत कम बच्चे, जो कम से कम हम बता दूँ कि 300 बच्चे छोपे थे आज, जिसमें आप हाई चेस्ट ले लो 10 बच्चे फेल हुए हैं, जिनका हाइट नहीं तो फेल होना ही होगा। और रनिंग ट्रैक के बारे में बताइए कैसा रन। आपका रनिंग ट्रैक बहुत अच्छा है, रनिंग ट्रैक आपको खाली पे भी रन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ, जो जितने भी भाई, बहुत सारा भाई को कमेंट आ रहा था कि रोड कैसा है, खाली पैर रनिंग कर सकते हैं या नहीं 15 बटालियन पे। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग खाली पैर भी रनिंग कर सकते हैं, बहुत सारे भाई खाली पैर रनिंग कर रहे थे। और आइए और आगे जानते हैं कि कैसे सेंटर पे जाना है और कितने लड़कों को रनिंग में पास किया गया, कितने बजे रनिंग हुआ, सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो मैं बता दूं भाइयों कि देखिए दो बैच बना था, पहला बैच में 110-120 का लड़का, दूसरा 120 का बना था, मैंने 203 कम से कम 200-250 लड़के चौपे थे सेंटर पर। तो उसमें आपको 120-120 के दो बैच बना, जो पहला रनिंग आपको 100 सेकंड हो गया, लेकिन सेकेंड रनिंग में था तो लेट हुआ, 9 बजे में रनिंग हुआ। तो कोई ऐसा बात नहीं है, कोई अरे लेट आज हो गया इसके कारण 9 बजे हो गया, नहीं तो 7 बजे हो जाएगा, 8 बजे आपका रनिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कि एक जरूरी नहीं है कि एक दिन जो रोज हुआ 9 बजे तो 9 बजे होगा रनिंग, ऐसा नहीं है। और रनिंग करने के बाद आपको वहाँ पर रनिंग निकालने के बाद आपको बिठा देंगे, और उसके बाद आपको आपका बैच में कितना रनिंग लड़कों को दौड़ाया गया और कितना लड़का फेल हुआ। तो देखिए मेरा सेकंड बैच था, तो इसमें 120 बच्चे का बैच बना था, जिसमें आपको लगभग 80-82 बच्चे जो रनिंग क्वालिफाई कर पाए हैं, और बच्चे छट गए हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं थोड़ा धूप में यहाँ पे रनिंग आज हुआ है, हालांकि दोस्तों रोज नहीं होता है ऐसा, दोस्तों कभी कभार हो जाता है, कभी कभार लेट हो जाता है, तो इसी कारण लेट हुआ था 15 बटालियन पे रनिंग आज। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बहुत सारा भाई का कमेंट आ रहा है कि 15 बटालियन सेंटर पे जाना कैसे है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों कि आप लोगों को न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को ई रिक्शा इजीली मिल जाएगी दोस्तों, 50 रुपये चार्ज लेगा, और आप लोगों को सेंटर बस रोड के किनारे पे ही है, आप लोगों को रोड के बगल में ही है आप लोगों का जो है सेंटर, आप लोगों को जस्ट वहाँ पे छोड़ देगा। दोस्तों आप लोगों को और कोई भी जानकारी चाहिए 15 बटालियन जलपाईगुड़ी से रिलेटेड फिजिकल सेंटर से, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं।